बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखिए गाइस, ये मेरा लिविंग रूम है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, देखें आप। और यही मैं सोच रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने ये थोड़ा सा काम कराया है, ये सीमेंट प्लास्टर करा रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि ये इसका मतलब काफ़ी मतलब छत ख़राब हो रही थी हमारी। बस हस्बैंड बोले चलो मैं करा देता हूँ, इसमें जो भी काम होना है लिविंग रूम में मैं इसकी रिपेयरिंग करा देता हूँ। तो इसी वजह से हस्बैंड ने सब करा रहे हैं। और बस यही मतलब छत तो हमारी ख़राब हो ही रही है, साथ में जो थोड़ी बहुत दीवार भी ख़राब हो रही है। तो बस हस्बैंड बोले कि ये पुट्टी से सही नहीं होगी, इसमें तो यही मतलब सीमेंट प्लास्टर ही लगेगा तभी ये सही हो पाएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसके बाद ही मैं इसको थोड़ा मतलब सही करती हूँ। देखें आप, और ये मेरा सीमेंट प्लास्टर हो गया है। और देखें आप, और जो मेरा यहाँ पर सामान रखा हुआ था वो सब मैंने बाहर रख दिया है, और जो मेरा सामने ड्राइंग रूम बना हुआ है मैंने उसमें रख दिया है। और बस यहाँ पर मेरा ये बेड रखा हुआ है, और वैसे भी मैं अब इसमें बेड ही रखूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगी। देखें आप क्या हालत हो रही है पूरे घर की, बहुत बुरा हो रहा है। और जगह जगह से सीमेंट ख़राब हो रहा था तो ये हस्बैंड ने सही करा दिया है, और इधर भी साइड से ख़राब हो रहा था ये। बस अभी से हटाने की तैयारी कर रहे हैं सब। तो है, मैंने बोला मैंने कि अभी करा दिया है तो ये तो बहुत बुरा लग रहा है, बस आप इसमें कलर भी करा दो। कहने लगे चलो सही है, इसमें कलर करा देते हैं। जब कोई मतलब थोड़ा सा भी काम होता है इस तरह का तो फिर बुरा लगता है, ऐसा मन करता है अब कलर भी हो जाए तभी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा बस अब सारा सामान निकला हुआ है, फिर डबल डबल मेहनत होगी, तो इसलिए बस मैंने ये सारा सामान निकलवा दिया था। मैंने कहा अब कलर होने के बाद ही इसे सेट करूँगी मैं। देखें आप, मैंने अपना ड्राइंग रूम तो सेट कर ही दिया था, मैंने आपको दिखाया है, और मैंने किचन भी सेट कर दिया था। किचन सबसे पहले सेट करके मैंने वीडियो डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम की डाली है। अब ये मेरे लिविंग रूम सही हो रहा है, बस इसमें कलर हो रहा है, और ये एक साथ ही काफ़ी लोग लगे हुए हैं और बोल रहे थे कि हम शाम तक आपके मतलब रूम जो है बेडरूम उसे भी कम्प्लीट कर देंगे, और ये लिविंग रूम भी किचन भी। मैंने कहा चलो ठीक है, और इन्होंने कर भी दिया था। गाइज ये देखें आप, होता जा रहा है, बस एक हाथ लगना रह गया है इसमें। और जब भी कलर हो रहा था तो बस इन्होंने साथ में ये पेंट भी, दरवाज़ों पे जो पेंट होना था वो भी साथ ही लेकर चले थे, तो साथ ही हो गया था ये सारा काम। और गाइज इन्होंने मतलब ये सारा काम मेरा एक ही दिन में कर दिया था, क्योंकि चार लगे हुए थे, इन्होंने मेरा रूम भी कर दिया था, और ये मतलब लिविंग रूम भी कर दिया था, और साथ में किचन भी। काफ़ी स्पीड से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। और मैंने आपको मतलब इससे पहले जो वीडियो है मैंने उसमें भी बताया था, काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये। और ये देखें आप, बस मेरा लिविंग रूम का कलर कम्प्लीट होने वाला है, फिर उसके बाद ही मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि इसका फ़र्श भी बहुत ख़राब हो चुका है, काफ़ी टाइम मतलब पुराना फ़र्श हो गया है ये, 4 से 5 साल हो गए हैं इस फर्श को भी डले हुए, तो ये ख़राब भी हो गया है। मैंने सोचा चलो इसे देखते हैं, पहले वॉश करके देखूँगी ये सही लगेगा तो डालूँगी, नहीं तो फिर दूसरा ही डालूँगी। और ये देखें आप, बस ये जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, और बस मैं अभी इतना मुझे उलझन सी हो रही है कि जल्दी से काम सिमट जाए। और बस रोज़ यही डेली सुबह से शाम इसी तरह हो जाती है काम करते करते, और घर का काम तो होता ही इतना ज़्यादा बस। और ये देखे सारा मेरा इसी तरह हो रहा है, बस सामान सब इसी तरह रखा है, और जब कलर हो जाता है तो बस फिर मन नहीं करता है ऐसे ही रखने का, सभी चीज़ों को धो के रखना अच्छा लगता है कि सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश करो, या जो सामान साफ़ करने के होते हैं उन्हें साफ़ करने करके ही रखे जाते हैं, ऐसे नहीं रखे जाते हैं। सभी के साथ है ये चीज़। बस इसीलिए बस मैं सोच रही हूँ अब
सबसे पहले मैं किचन कर दूँगी, फिर किचन का जितना भी सामान है वो किचन में एडजस्ट हो जाएगा। फिर गाइस मैंने उसके बाद अपना ड्राइंग रूम लिया था, उसे सेट किया है मैंने। यहाँ पर जो मेरे लिविंग रूम में सोफ़ा रखा रहता था मैंने वो वहीं डाल दिया है, और यहाँ से सब मैंने खुला खुला ओपन कर दिया है सब, और काफ़ी स्पेस लग रहा है अब। देखें आप आगे, मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर ये बस थोड़ा सा काम रह गया है इसमें, फिर ये मतलब कलर कंप्लीट हो जाएगा इसका। देखे गाइस, ये मेरी इस वॉल पर डिज़ाइन बना रहे थे, टैपिंग डिज़ाइन, लेकिन इस दीवार में इतनी सीलन है बहुत ज़्यादा, मतलब ये बन नहीं पाया इस पर। बहुत कोशिश करी इन्होंने लेकिन ये बन नहीं पाया, इसलिए बस फिर बोले कि हम इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये साइडों की दीवारें जो हैं आपकी वॉल जो है ये मतलब लाइट हो जाएगी लाइट शेड में, और ये वाली डार्क शेड में हो जाएगी। नहीं तो ये टैपिंग डिज़ाइन बना रहे थे लेकिन वो बना ही नहीं, क्योंकि दीवारों में इतनी सीलन है वो टैप चिपक नहीं पाई। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। और ये डार्क होकर भी अच्छी लग रही थी, पहले तो मतलब कलर दूसरा था, जब कलर चेंज हो जाता है तब तो वैसे ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए ये हस्बैंड जो ये मैट है लिविंग रूम का ये हटा रहे हैं। बस ये देखें गाइस, ये मैंने दूसरा मैट फ्रेश वॉश करने के बाद अच्छे से फिर मैंने इसको सुखाया है, फिर पोछा मारा है, फिर एक बार और झाड़ू लगाई है। मैं इसमें मैट बिछा रही हूँ अपने लिविंग रूम में। देखें बेडरूम में भी यही मैट डाला है, और इसमें लिविंग रूम में भी, दोनों में एक जैसा ही डालूँगी। और ये देखें आप, मैं डाल चुकी हूँ मैट, थोड़ा सा इधर साइड से चिपकाना रह गया है, वो मैं बाद में चिपकाऊंगी। और ये देखें आप, मैं अपना ये जो मेरा बेड है इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन तो मैं कर चुकी हूँ, कल भी किया था। डस्ट सी हो जाती है क्योंकि बाहर का ओपन एरिया है, तो इसलिए इस पर डस्ट सी आ जाती है। मैं इसको अच्छे से क्लीन करके अब इस पर गद्दे डाल दूँगी, जो मेरे मैट्रेस हैं वो मैं डाल दूँगी। मैट्रेस के कवर वगैरह भी सब मैंने वॉश करके अच्छे से, और बेड भी कितना मतलब क्लीन लग रहा है, और अच्छे से मतलब मैंने इस पे ऑयल लगाया है। और ऑयल लगाने के बाद देखें बिल्कुल, और यहाँ से मैं जो इसका ये है थोड़ी सी इस पर भी डस्ट हो रही थी, वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि सूखे कपड़े से साफ़ तो होती नहीं है, इसलिए मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। मिनके जो होगी इसमें से मिट के आ जाएगी। और ये देखें आप, क्लीन होने के बाद बेड बहुत अच्छा दिख रहा था, और इतना गंदा हो गया था ये बाहर रखे हुए, और कुछ इस पर निशान से डल गए थे कलर के, कुछ वैसे सीमेंट के, तो बस मैंने इसे बहुत अच्छे से मतलब वो क्लीन किया है। और मैंने ये जो ऊपर के इसके बॉक्स के जो ये है इन्हें भी मैंने अच्छे से साफ, और बस ये देखें आप, मैं अब इस पे अपने मैट्रेस डाल रही हूँ। और ये जो मैट्रेस के कवर है ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके तभी चढ़ाए हैं, क्योंकि जब मतलब इस तरह का काम होता है मन ऐसा करता है हर चीज़ मतलब अच्छे से क्लीन कर ही रखो, ऐसे अच्छे नहीं लगती। सभी के साथ है ये, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बस एक एक करके मैं कर रही हूँ काम, और सारा दिन हो जाता है मुझे अभी लगे हुए। जब कलर होता है तो इस तरह का होता है ये, जब कलर हो जाता है मतलब जल्दी से समेटा नहीं जाता काम, 10-15 दिन यूँ ही भाग जाते हैं पूरे। और कुछ मतलब करती भी मैं अकेली हूँ तो बस
इसीलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ये देखे आप, मैंने इस पर एक बेडशीट डाल दी है, मैं इस पर दूसरी बेडशीट डाल दूँगी क्योंकि मैं दो ही बेडशीट डालती हूँ, एक ऊपर एक नीचे रहती है एक ऊपर। ये देखिए आप कितने अच्छे से मैंने बेडशीट अपने। और ये देखिए मैंने अपना पूरा लिविंग रूम क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद ही मैं ये कर रही हूँ। और ये देखिए आप मेरी बेडशीट कंप्लीट बिछ चुकी है, ये रही। मैंने काफ़ी मतलब एक दो दिन से सोच रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली थी बेडशीट क्योंकि लाइट शेड की है, मैंने क्या जल्दी गंदी हो जाएगी, तो मैंने सोचा आज मैंने ये पूरा डीप क्लीन किया है तो मैंने ये डाली है। और देखें आप अभी मेरी दीवारों में थोड़ी सी नमी है, मैंने कहा चलो धीरे धीरे सही हो जाएगी, अब धूप आनी शुरू हो गई है तो इसलिए सही हो जाएगी। इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा सामान नहीं रखा है, मैंने अपना सोफ़ा वगैरह भी सब मैंने वहीं रख दिया है, सामने जो मेरे ड्राइंग रूम बना हुआ है मैंने उसमें रख दिया है। पहले यहीं पर डाल रखा था मैंने, लेकिन अब मैंने वहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए मैं अपने ये जो मेरा गोल पिलो है, मैं इस पर ये कवर चढ़ा रही हूँ। और बस वैसे तो मेरे पास कुर्सियाँ हैं लेकिन चेयर है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ यहाँ रखने के लिए। मैंने सोचा बस खाली बेड रखूँगी और जो बच्चों की बुक्स अलमीरा है वो रखूँगी मैं, और कुछ नहीं रखूँगी यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ओपन खुला सा रखूँगी। इससे थोड़ा मतलब वो भी रहता है अपना, जल्दी से झाड़ू निकल जाती है, काम भी थोड़ा वो हो गया है तो इसलिए मैंने रखी नहीं यहाँ पर, बस वही रखी है। और अभी मुझे अपना अंदर का जो मेरा बेडरूम है उसे भी सही करना है, काफ़ी हद तक कर दिया है वो भी मैंने, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें आप इसे इस तरह का है मेरा कुछ, ये गाइस मैंने खुद ही मतलब सिला था और मैंने आपको दिखाया भी था अपनी वीडियोज़ में, पिछली जो मेरी वीडियो गई है उसमें मैंने दिखाया है, ये मैंने सेट खुद ही सिया है पूरा। और ये देखें आप इस, और यहाँ पर ये मैं फ्लावर पॉट रख रही हूँ बेड पर एक साइड कॉर्नर में। और इधर मैंने साइड में मैंने जहाँ पर मेरा सोफ़ा लगा हुआ था वहाँ पर मैंने बच्चों की बुक्स अलमीरा रख दी है, और ये जो इसकी साइड की जो जगह बची हुई है ये मैंने ऐसे ही ओपन रख दी है, मैंने कहा ये खुली रहेगी थोड़ा सही रहेगा क्योंकि ये जो साइड में मेरी अलमारी थी उसका कम यूज़ हो रहा था। और ये देखें आप ये बच्चों की मैंने बुक्स अलमीरा है, और मैंने इस पर भी मेरे पास टेबल कवर रखा हुआ था तो मैंने सोचा ये मैं इस पर डाल देती हूँ। और ये इस पर अच्छा भी लग रहा है, और काफ़ी हैवी है इसकी मतलब जो फैब्रिक है वो काफ़ी हैवी सी है, मैंने इस पर ये अच्छे से मतलब जमा रहेगा। देखिए आप, और ये मैं यहाँ पर ये फ्लावर बास्केट रख रही हूँ। और गाइज मेरी अगर आपको सेटिंग अच्छी लग रही है या इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। वैसे मेरे पास चेयर सेट है लेकिन मैंने वो रखा नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ भी यहाँ रखने का इसलिए। और ये जो मेरी पेंटिंग यहाँ पर लग रही है ये मैंने उसी पर्पस से रखी थी कि मतलब मैं अपना सोफ़ा डालूंगी तो ये सही लगेगी, अब सोफ़ा मैंने जब नहीं डाला तो मैं इसे ऊपर लगा दूंगी, ऊपर मेरे वो लगी हुई है वॉच वो मैं नीचे कर दूंगी, इसे ऊपर कर दूंगी। और ये देखें आप मैंने अच्छे से झाड़ू और पोछा भी कर लिया है यहाँ पर, और ये मैं ये बेड के आगे अपनी डाल रही हूँ मैट पायदान। और देखें आप पूरा क्लीन होने के बाद मेरा ये लिविंग रूम कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका। और ये देखें आप मैंने नीचे वॉच कर दिए, ऊपर ये मैंने अपनी पेंटिंग लगा दी है, ये गाइस मैंने खुद बना रखी है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सभी पेंटिंग्स जितनी भी लगी हुई है ये सब मैंने खुद बना रखी है गाइस। और ये जो बेड के ऊपर लगी हुई है एक पेंटिंग वो भी मैंने खुद बना रखी है, और अंदर जो मेरे बेडरूम में लगी हुई है वो भी मैंने खुद बना रखी है। और ये देखें आप पूरा क्लीन होने के बाद कुछ मेरा लिविंग रूम का लुक इस तरह से आ रहा है, और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आ रहा होगा। देखें आप, और अगर ये इसमें आपको कुछ कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज़
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मतलब जो न्यू है वो मुझे सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूले, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखिए बेड के ऊपर जो ये पेंटिंग लगी हुई थी ना बास्केट फ्लावर की थी, वो भी मैंने खुद बनाई हुई है। ये देखें आप पूरा मतलब मेरे कुछ लिविंग रूम का लुक अब इस तरह से आ रहा है। और ये अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से मतलब खुद ही ये मतलब मैट हस्बैंड और दोनों ने मिलकर करा था। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।